ये एक व्लॉग नहीं है, एक कहानी है डिसीजन के ऊपर। मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया था, उसके बारे में। लो जी, आ गए अमेरिका। व्लॉग में आप सबका स्वागत है। यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या हुआ हमारे साथ, मतलब कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, ये सब कुछ शेयर करेंगे आप सबके साथ। चलिए शुरू करते हैं। अपनी फैमिली को छोड़कर इतने दूर मैं कभी नहीं गया था। इनफैक्ट इतने लंबे टाइम तक मैं कभी दूर नहीं रहा था। तो इन सबको छोड़ के जाने का गम बहुत था मेरे अंदर, पर दिल पर पत्थर रख के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। किसी महान इंसान ने कहा है, कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने मम्मी पापा को, अपनों को गले लगाकर, माँ बाप का आशीर्वाद लेके एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा था। मम्मी ने बताया सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी भरोसे के साथ अपनों को गले लगाकर, अपने दोस्तों को मिलकर मैं चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। सबको छोड़ के जाने का गम बहुत था, सबके सामने रो नहीं पाया, पर क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है मेरे दोस्त। अब थोड़ा फ्रेश होके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे जागना भी है अगले 27 घंटों तक। तो टाइम हो चुका था 2 बजे और मुझे लगी थी भूख। आँखों में थोड़े थोड़े आंसू भी थे इमोशंस के साथ। मैंने चाय ऑर्डर की और सबसे ज़रूरी चीज़, मम्मी को ना बोलने के बावजूद उसने मेरी बैग्स में 2 रोटियाँ रख दी थी। तो एक रोटी को निकाला, चाय में शक्कर डाली। इंडिया की लास्ट चाय थी ये, बहुत बहुत अच्छी लगी थी। टोटल मेरे पास 4 रोटियां थी, सो 2 मैंने खाई और 2 को संभाल के बैग में रख दी। दूसरी रोटी का लुफ्त उठाते हुए बहुत घर की याद आने वाली थी ऐसा सोचा, पर क्या करें, कोई बात नहीं। अब मेरा बोर्डिंग का समय स्टार्ट हो चुका था। सब कुछ बदलने वाला था, ये सोचकर मन ही मन में घबरा रहा था। दिल से देख लेना चाहता था एक बार अपने इंडिया को, अपने घर को। वो सब तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इमोशंस को साइड पे रखा और फिर एमिरेट्स की फ्लाइट को एंजॉय करने में आगे बढ़ा मैं। परफेक्ट वाला विंडो सीट मिला है, हेडफोन्स, ये हमारे चश्मे हैं, तकिया, शॉल, माय मोबाइल, जैकेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मूवीज में गया, शाहरुख खान की मूवी देखी। तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खान साहब जरूरी थे। जब तक ये जान लगाई, मैं अपनी मूवी को एंजॉय करता हूँ। आप सबको दुबई एयरपोर्ट तक मिलता हूँ। बीच में मैंने बोलने की कोशिश की थी आप सबसे बात करने की, पर फ्लाइट में बहुत आवाज़ था। बात में यही था कि मैं अपना मूवी एंजॉय करता हूँ और आप सबको आगे मिलता हूँ दुबई एयरपोर्ट पर। चलिए में हमें नाश्ता मिल गया। ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था क्योंकि अहमदाबाद से था। अब अपने ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हुए हम फ्लाइट का आनंद लेते हैं। पर तब तक देखते ही देखते मैं दुबई आ गया था। खिड़की में से झांक के देखा, शायद बुर्ज खलीफा दिख जाए, एंड देयर इट वॉज।
अब यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो 6 घंटे बाद थी। एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, पहली बार गया था, कुछ भी पता नहीं था मुझे। 2-4 लोगों से बात करके पता चला कि तो भैया बात ऐसी है कि अभी हमारी फ्लाइट है यहाँ से 6 घंटे के बाद, और ये पूरा एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ पे ट्रेन चलती है, तो ट्रेन में बैठ के जाना पड़ेगा मेट्रो में एक गेट से दूसरे गेट तक, और बहुत सारा टाइम लगेगा उसके लिए। तो मैं आपको एयरपोर्ट दर्शन करवाता हूँ, आप जब तक एयरपोर्ट दर्शन कीजिए, जो जो अच्छी चीज़ें लगेगी वो मैं दिखाता रहूँगा उसके बाद। अब मेरी फ्लाइट थी यहाँ से 6 घंटे दूर, मतलब 6 घंटे का वेटिंग था। Okay guys, so here is the quick update कि कल रात से पूरी रात सोए नहीं है, 1 घंटा कच्ची वाली नींद मिली थी मुझे, पूरी रात सोया नहीं हूँ, और अभी भी दोपहर तक बैठा हूँ वेटिंग लॉन्च में। कहाँ है गाड़ी? ये अभी बजाए कुछ 8:30 है ना, और मेरी फ्लाइट है यहाँ से 11 बजे। इतना नींद के बिना मैं कभी रहा नहीं हूँ, मुझे नहीं मैंडेटरी है मेरे लिए 8 घंटा, 7 से 8 घंटे मिनिमम सोता हूँ। अगले आने वाले 17 आवर्स तक मुझे और नींद नहीं मिलने वाली। वीडियो में बीच बीच में शूट करता रहूँगा, इतना कुछ फ्रिक्वेंटली नहीं है शूटिंग करना, मैं कहानी के तौर पर इस पूरे ब्लॉग को प्रेजेंट करूँगा, इसलिए मैं बात कम कर रहा हूँ, मतलब स्टोरी बना पाऊँ। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स भी है, बातें भी है जो मैं आपसे करूँगा, तो आगे इस वीडियो को पूरा देखना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे तो मैं आगे USA में बहुत एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो हम भाई साहब उसके वीडियोज़ सुन पाएंगे। ठीक है, तो अभी मुँह दिखाने के लायक नहीं है क्योंकि मुँह धोया नहीं है और पूरी रात सोया नहीं, थका हुआ हो गया नहीं, एक ही बात पता नहीं, कुछ हैपनिंग हो जाएगा तो दिखा दूँगा, अदरवाइज हम इतने फ्लाइट में। घूमते घूमते हम पहुंच गए हमारी कमजोरी की तरफ, चॉकलेट्स। इतनी सारी चॉकलेट्स देखकर मेरा मन घबरा गया था कि कहीं मैं 2-3 ले ना लो और क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। सब मैं जब मतलब वहाँ पे रेस्ट कर रहा था तब मुझे नींद तो आई नहीं, मैं सोचा चलो यहीं बैठ के पूरा टाइम बिता दूंगा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मैं वॉशरूम गया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे टाइम को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, नींद तो आ जाएगी कभी ना कभी, तो मैंने मुँह धोया और निकल पड़ा भाई। वो 2 घंटे मैंने जो मतलब वेस्ट किए ना, पूरा रिग्रेट है, क्योंकि इतना सारा यहाँ पे देखने लायक है भाई, मैं 2 घंटे से बैठा ही रहा, मतलब मोबाइल यूज़ किया, इंटरनेट यूज़ किया, एक्सप्लोर करते हैं, बढ़िया सा आपको स्टोरी दिखाते हैं फिर बाद में कुछ बना। अब दुबई आया है तो खजूर वाली चॉकलेट तो लेते ही रहते हैं सब, मैं भी ढूंढने निकल पड़ा खजूर वाली चॉकलेट, बट मिली नहीं, तो सोचा आप सबको थोड़ा टूर ही दे देता हूँ स्टोर का। चलिए चॉकलेट हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हमने बहुत दिल पे पत्थर रख के एक छोटी सी कॉम्बो पैक उठाया, हम आखिर तक ना खाए उसका हम मेक श्योर करेंगे। परफ्यूम सेक्शन की तरफ जाना है, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं, मैं एक बार अपने गेट की तरफ जा लेता हूँ, पब्लिक आ चुकी है नहीं, मेक श्योर कर लेता हूँ कि वही गेट है कि नहीं, एक बार गेट चेंज हो चुका है उसके बाद मिलते हैं। खींचे चले जाते हैं हम इसकी ऐसी किसी चीज़ की तरफ, तो ऐसे ही खींचे चले जाते हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं अंदर। बहुत सारी कैंडीज, बहुत सारी कैंडीज। ओके, तो घूमते घुमाते सब कुछ जगह देख लिया, फिर उसके बाद मेरे बैग बहुत हैवी है, में 7 kg की बैग अलाउड नहीं है, 7 kg लगा के घूमना, तो कैसे खाया पिया नहीं है, नींद भी नहीं, पूरी रात नहीं सोया, अगेन एंड अगेन मैं बात बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी डील है, ऑलमोस्ट 5,500 स्टेप्स चल चुका हूँ सुबह सुबह। चॉकलेट्स का आना लेते, एक आध चॉकलेट खाते आपके सामने, तो आपके मुंह में पानी वानी क्या खा रहे, नाइस।
बॉक्स तोड़ते बॉक्स, बच्चों के खाने के चॉकलेट्स में बढ़िया हो गए। तो 45 मिनट्स के बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा मिलते फ्लाइट में। तो जी इस बार नया प्लेन आया है, बढ़िया है, कुछ अलग है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बड़ी है, वही देखेंगे, मज़ा करेंगे। 5 घंटे में ग्रीस पहुंचाएगा और उसके बाद 1 घंटे का ट्रांजिट एग्जिट है, मतलब फ्यूलिंग क्लीनिंग वगैरह के लिए। 1 घंटे में फिर वापस फ्लाइट सीधा नेवाक EWR, दोनों नाक बंद हो चुके हैं। दुबई से निकल के मेरी फ्लाइट थी एथेंस तक ग्रीस। फ्लाइट 5 घंटे की थी, उस 5 घंटे में मुझे नींद भी लेनी थी, फ्लाइट का मज़ा भी लेना था और थोड़ा बहुत खाना वाना खाना। तो हम अपने खाने का आनंद लेते हुए पहुंच जाते हैं ग्रीस। में मुझे बहुत मौसम खूबसूरत लगा, खिड़की में से झांक के देखा तो कुदरत अपना कुछ अलग ही करिश्मा दिखा रही थी। मुझे सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा शूट कर लूं। तो लो जी पहुंच गए ग्रीस। तो अभी ग्रीस में स्टॉप था एक, जो 1 ही घंटे का होता है जिसमें प्लेन रिफ्यूल होता है और प्लेन की क्लीनिंग वगैरह की जाती है। हम यहाँ का नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं, आपने फुटेज देख ही रहे होगा, पर बहुत बहुत शानदार नज़ारा, पूरी थकान मतलब मिट गई मेरी। देखो क्या शानदार व्यू है यहाँ से। अभी बारिश गिरी जस्ट और ये एकदम सन निकल के बाहर आया है। 28 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सोया नहीं हूँ और 12 घंटे और होने वाले हैं। देखते आगे आगे क्या होता है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहां से निकलते मेरी नजर पड़ती है एक पर्वत पर, ये नजारा तो शूट करने लायक था। फ्लाइट बोर्ड हो चुकी थी, पूरी थकान के साथ मैं अभी अपने मोबाइल चार्ज करके निकल पड़ते हम न्यूयॉर्क की तरफ, अमेरिका की तरफ। फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे पूछा कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी, मुझे लगा कॉफ़ी अच्छी रहेगी और उसके साथ मुझे ये अजीब सी चीज़ दे दी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लैंडिंग का समय आया तो मेरी नज़र खिड़की के पास पड़ी, इतना खूबसूरत नज़ारा देख के मैं चौंक गया था। और हमारा प्लेन न्यूयॉर्क में लैंड भी हो चुका था। वेलकम टू EWR। पहुंच गए भाई फाइनली, बहुत थके हुए हैं, इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए मैंने अंदर शूट नहीं किया, अभी घर चलते हैं उसके बाद मिलते हैं। भाई तुम्हें बहुत ठंडी है, बहुत थोड़ा फ्रेश हो, उसके बाद मिलते हैं। इसके बाद थोड़ी बोनस क्लिप्स दिखाता हूँ आपको, जो कि आने वाले दिनों में आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी।
stops when you move like that, yeah. Everything stops when you move like that, yeah. तो जो लोग मुझे लेने आए थे वो सीधा मुझे लेकर चले गए न्यूयॉर्क। तो आप सबके लिए पेश है न्यूयॉर्क की एक हाईलाइट, एंजॉय। गुड मॉर्निंग बाय द वे, सब एडजस्टमेंट हो रहा है ठंडी में, बाहर निकल के बात करते हैं। खुद ही चाय बनाई है, खुद ही नाश्ता किया है, थोड़े नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो रहे हैं। दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी, दिस इज द क्विक अपडेट। आज क्या करेंगे उसके बाद आपको, मतलब आज जो भी करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक की जर्नी यही थी, अभी जस्ट नाश्ता वास्ता किया है, अब नहाने वहाने जाएंगे। अभी रात ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज चुके हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थोड़े बहुत मतलब शॉर्ट्स तो लूँगा, उसको मैं कुछ, अगर मैं बात नहीं कर रहा, कंफर्टेबल नहीं हुआ तो मैं उसको वॉइस ओवर करके ब्लॉग बनाऊंगा, बट ब्लॉग जरूर बनाऊंगा। कैसा लगा ब्लॉग वो कमेंट में जरूर से बताना। आई एम एंजॉइंग एंड फिगरिंग आउट माई न्यू लाइफ, करते बात नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।